तो गाइस, क्योस वार के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्योस किंग चार हीरोज के ऊपर अटैक करता है और वो लोग क्योस किंग के रास्ते में रोड़ा ना बने क्योस किंग उनको आखिर में मारने के लिए अपने बॉडी के अंदर समा लेता है। वो हीरोज भी समझ जाते हैं कि क्योस किंग उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए डेमन हेलस्ट्रॉम फिर से अर्थ पे आने के लिए एक पोर्टल खोलता है। तो कॉमिक की शुरुआत में क्योस किंग अपनी आर्मी के साथ आल फादर के रैम्स को एक एक करके तबाह कर रहा है। वो नॉर्थन गॉड्स के रैम में पहुंच जाता है। हम तीन औरतों को क्योस किंग की आर्मी के साथ लड़ता हुआ देख सकते हैं। नारिया बोल रही है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? जिसपे एक दूसरी औरत नारिया की मॉम नलवाना से बोलती है कि हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, नारिया को बचाओ वरना वो लड़ते लड़ते मारी जाएगी, जरूरी नहीं है कि आज के दिन हम सब मारे जाएं। जिसपे नलवाना अपनी बेटी नारिया को वहां से भागने के लिए बोलती है और नारिया वही पुराना डायलॉग मारती है, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। जिसपे नलवाना नारिया को एक पोर्टल में धकेलते हुए बोलती है, तुम्हारी तरह हम दूसरी डायमेंशन में नहीं जा सकते, क्योस किंग हमको मार सकता है लेकिन तुम बच सकते हो। अब क्योस किंग नलवाना को मारने के बाद बोलता है, गॉड्स और उनका घमंड, तुम्हारे नियम टूट चुके हैं, तुम क्योस के सामने हार चुकी हो। उधर दूसरी तरफ से पोर्टल बंद हो जाता है। अब हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बीस्ट अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वाल्टर से बोल रहा है, डार्कनेस हमारी तरफ आ रही है, एक के बाद एक रैम्स हारते जा रहे हैं, एक ऐसी तबाही जो जिंदगी और मौत से परे है वो पहली बार हमारे बीच में आ चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब वो यहाँ पे थी तब हम में से कोई नहीं था। वो एक पुरानी बुराई है जो सब चीजों को खाना चाहती है ताकि वो क्रिएशन को खत्म कर सके, इसलिए वो सबसे पहले क्रिएशन को बनाने वालों को मार रहा है। भगवान उनको बचाए। क्योस किंग को रोका नहीं जा सकता। अपनी चालाकी से उसने एक ऐसा जाल बनाया है जिससे सबसे ज्यादा ताकतवर जीव भी नहीं बच सकता। उसने गॉड हेड के संसद को हरा दिया है और वो चैम्बर ऑफ गॉड्स के रास्तों से हर रैम के अंदर जा सकता है। वो पूरे के पूरे गॉड्स के ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और हम ग्रेट बीस्ट गॉड्स ऑफ एल्डर नाइट उसका अगला निशाना है। वाल्टर बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि इसलिए तुमने मुझको यहाँ पे बुलाया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? सोमन बोलता है, इस रैम के अंदर हम क्योस किंग के सामने हार जाएंगे, केवल अर्थ के ऊपर हम अपनी पूरी ताकत हासिल कर सकते हैं और क्योस किंग को रोक सकते हैं। हमारे भाई टेनरेक के साथ तुम्हारा एक कनेक्शन है जिससे तुम्हें एक ऐसा पोर्टल मिल जाता है जो हमें यहाँ पे कैद रखता है। अगर तुम हमें अर्थ पे लेकर जाते हो तो हमारी ताकत इतनी बढ़ सकती है कि हम क्योस किंग को मार सकते हैं। क्या तुम वो लेकर आए हो जो हमने मंगवाया था? जिसपे वाल्टर उनको एक थैली दिखाता है। सोमोन बोलता है, इस थैली की जादुई ताकत से और तुम्हारी इच्छा और हमारी ताकत को मिलाकर हम इस रैम को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन सेस्केच पूछता है, और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पागलों की मदद करूंगा? सोमोन बोलता है, अगर हमें अर्थ पे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है उतने में ही हम अपनी पूरी ताकत हासिल कर लेंगे। केवल हमारे क्योस किंग को हराने की ताकत है, लेकिन उस थोड़े से टाइम के लिए हम कमजोर हो जाएंगे। तुम और तुम्हारे दोस्तों ने हमें पास्ट में हराया है। तुम्हारी चालाकी और रिसोर्सेज क्योस किंग की सेना को तब तक रोक सकते हैं जब तक हमें अपनी पूरी ताकत नहीं मिल जाती, और फिर हम उनको हरा सकते हैं। अर्थ के लोग एक बात बोला करते हैं। सेस्केच बोलता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं तुम लोगों को बड़ा दिखाई दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इकलौता हूँ। सोमन बोलता है, डेथ भाग चुकी है, अब वो तुम्हारे प्यारे लोगों को कैद नहीं कर सकती। तुम्हारी मदद करने के लिए हम उन लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने हमें पहले हराया है, ताकि वो तुम्हारे साथ आकर लड़ सकें, और एक बार हमें अपनी पूरी ताकत मिल जाती है तो हम तुम्हारे उन मरे हुए साथियों को फिर से पूरी तरीके से जिंदा कर देंगे। सेस्केच पूछता है, और जब तुम क्योस किंग को हरा दोगे तो मैं कैसे यकीन करूं कि तुम अर्थ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं करोगे, और हम तुमको कैसे हराएंगे? सोमोन बोलता है, हम कसम खाते हैं कि अगले 100 सालों तक अर्थ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। सेस्केच बोलता है, हम तुमको पहले भी हरा चुके हैं और दोबारा भी हरा देंगे, बस ये बात याद रखना। और फिर सोमोन अपनी स्पेल पढ़ता है। अर्थ पे नारिया कनाडा में एक शहर के अंदर घूम रही है और बोल रही है, इंसान बिना सपनों की नींद में सोए हुए हैं, जबकि गॉड्स जिनको वो बहुत पहले भूल चुके हैं इनकी रक्षा करते हुए क्योस किंग के हाथों मारे जा रहे हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। तभी नारिया के सामने एक पोर्टल खुलने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम ने ये पोर्टल खोला है। तभी पीछे से नारिया यानी कि स्नोबर्ड के सामने अल्फा फ्लाइट के दो और पुराने मेंबर्स आ जाते हैं जिनका नाम है नॉर्थ स्टार और अरोरा। नारिया पूछती है, तुम लोग जागे कैसे हुए हो और यहाँ पे कैसे आ गए? नॉर्थ स्टार बोलता है, मैं सैन फ्रांसिस्को में जागा, अगला सिर्फ मुझे इतना पता है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया जैसे कि कोई मुझे सम्मन कर रहा हो।
हालांकि पलक झपकते ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तभी उस पोर्टल के अंदर से वाल्टर बाहर आता है और बोलता है कि मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है। स्नोबर्ड बोलती है, वाल्टर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इस पोर्टल को कैसे कंट्रोल करते हो। मेरी फैमिली मर रही है और अर्थ पे अंधेरा छा रहा है। मैं दोनों वर्ल्ड की बेटी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोल टूट रही हो। हमें मदद करनी चाहिए। वाल्टर बोलता है, चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। इतने सालों से हमने एक चीज सीखी है कि मौत हमेशा अंत नहीं होती, खासकर जब अल्फा फ्लाइट का नाम आता है। और गाइस हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से अल्फा फ्लाइट के कुछ और पुराने मेंबर्स आ जाते हैं जो कि काफी टाइम पहले मर चुके थे। इसके बाद ये लोग आपस में गले मिलते हैं। वाल्टर बोलता है, जब तुम लोग स्पेस से वापस आए थे और हम टीम को फिर से बना रहे थे, हमारे ऊपर अटैक हुआ था, मैं जिंदा बच गया। शायद इसीलिए क्योंकि मेरा ग्रेट बीस्ट टेनरेक के साथ कनेक्शन था। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों को वापस लाने का तरीका ढूंढ लूंगा। नॉर्थ स्टार पूछता है, लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे हो गए? जिसपे शैमन बोलता है कि हम जिंदा नहीं हुए हैं, मेडिकल तौर पे नहीं। मेरे ग्रैंडफादर की तरह मुझे कुछ ऐसी चीजें पता है जिससे मैं हमारी स्पिरिट्स को ग्रेट होम में जाने से रोक पाया। हालांकि मैं बाकियों के मरने पे उनको बचा पाया, जैसे कि मेरीना, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए मर गए। जिसपे वाल्टर पूछता है कि पक कहाँ पे है? शैमन बोलता है, मैंने कोशिश की लेकिन वो मेरे हाथों से निकलकर एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे मैं भी नहीं जा सकता। अब नॉर्थ स्टार भी गुस्सा होकर पूछता है कि हमारे बाकी सारे जिंदा क्यों नहीं हुए, वो भी तो तुम्हारे साथ थे। शामन बोलता है, वो मेरे साथ थे लेकिन तब ग्रेट होम के दरवाजे फाड़ दिए गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधेरे से आफ्टर लाइफ भाग रही हो। तब स्नोबर्ड बताती है कि ये क्योस किंग का काम है। विंडिकेटर पूछती है, क्योस किंग? मुझे तो ऐसी कोई फाइल याद नहीं है जिसमें क्योस किंग का नाम आया हो। स्नोबर्ड बोलती है, ये एक ऐसी ताकत है जो कि तुम्हारी फाइल से भी पहले की है। वो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था। वो गॉड्स के आने से पहले भी मौजूद था। उसने डेथ को हरा दिया है और अब उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो कि जिंदगी लाते हैं। वो गॉड को मार रहा है। तभी उन लोगों को अपने सामने ग्रेट स्पिरिट दिखाई देती है। सैमन पूछता है कि नेलवाना और हेडियुक का क्या हुआ। स्नोबर्ड बोलती है कि क्योस किंग और उसके एलियन स्लेव गॉड्स ने उनको मार दिया और मुझे जिंदा छोड़ना उसकी आखिरी गलती थी। और गाइस हम देखते हैं कि उस ग्रेट स्पिरिट के अंदर से क्योस किंग की गॉड स्लेव आर्मी बाहर आने लगती है। स्नोबर्ड अपने बाकी साथियों को इस आर्मी के साथ लड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वाल्टर उनको रुकने के लिए बोलता है। इसलिए विंडिकेटर, सैमन और वाल्टर नीचे रुक जाते हैं जबकि बाकी लोग स्लेव गॉड्स की आर्मी के साथ लड़ने लगते हैं। शामन बोल रहा है, मैं इतने लंबे टाइम से अर्थ पे आने का वेट कर रहा था लेकिन मैं उस बैरियर को नहीं तोड़ पाया, लेकिन अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और मुझे लगता है कि इसमें क्योस किंग के अलावा और किसी का भी हाथ है। जिसपे विंडिकेटर वाल्टर से बोलती है कि तुम्हें हमें वो सारी चीजें बतानी होगी जो तुम छुपा रहे हो। और गाइस ऊपर से स्नोबर्ड भी बोल रही है, वाल्टर, शामन, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी स्नोबर्ड नीचे आकर गिरती है। शामन बोलता है, स्नोबर्ड, हम क्योस किंग की वजह से वापस आए लेकिन ये आर्मी तुम्हारे पीछे नहीं आई। अब वाल्टर बोलता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों को वापस लेकर आऊंगा, इसलिए मैंने एक डील की। स्नोबर्ड पूछती है, कौन सी डील? वाल्टर बोलता है, हमें ग्रेट बीस्ट को स्लेव गॉड की आर्मी से बचाना है। स्नोबर्ड बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेट बीस्ट अर्थ पे आ गए और मैं उनको सेंस नहीं कर पाई? शामन बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से अर्थ पे नहीं आए हैं। वही स्पेल जो हमें वापस लेकर आई वही तुमको ग्रेट बीस्ट को सेंस करने से रोक पा रही है। स्नोबर्ड बोलती है, लेकिन अब वो सामने आ चुके हैं, इसका मतलब है कि वो मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिसपे वाल्टर स्नोबर्ड को रोकने की कोशिश करता है। जिसपे स्नोबर्ड पूछती है, क्या ग्रेट बीस्ट तुम्हें भी कंट्रोल कर रहे हैं? मेरा जन्म इसलिए हुआ था ताकि मैं इनको मार सकूं। तो गाइस हम देख सकते हैं कि अल्फा फ्लाइट के कुछ मेंबर्स वाल्टर के साथ हैं, लेकिन बाकियों को वाल्टर की डील पसंद नहीं आ रही। शामन समझाता है, या तो हम ग्रेट बीस्ट को उनके पूरे साइज में बढ़ने दें या फिर क्योस किंग इस वर्ल्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गाइडियन बोलता है, वो देखो, क्योस किंग की आर्मी ग्रेट बीस्ट को अपना खाना बना रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसपे सोमोन बोलता है, सैस्क्वैच, अपनी कसम याद करो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन स्नोबर्ड बोलती है, अगर किसी ने इनकी मदद की तो तुम लोगों के साथ जो होगा उसकी जिम्मेवार मैं नहीं होंगी। वाल्टर बोलता है, ये इतना सिंपल नहीं है। स्नोबर्ड बोलती है, ये बिल्कुल सिंपल है, हम क्योस किंग को इनको मारने देंगे और अल्फा फ्लाइट क्योस किंग को हराने का एक और रास्ता ढूंढ लेगी। वाल्टर बोलता है, अगर हम ग्रेट
बीस्ट की मदद नहीं करेंगे तो अल्फा फ्लाइट भी मारी जाएगी। शामन बोलता है, ग्रेट बीस्ट की वजह से हम लोगों के पास ज्यादा पावर्स आ चुकी है। हालांकि हम पूरी तरीके से अर्थ पे नहीं आए हैं, अगर हम ग्रेट बीस्ट की मदद करते हैं तो हम अर्थ पे पूरी तरीके से जिंदा हो सकते हैं। वाल्टर बोलता है, मैं बस इस प्लेनेट और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें बस क्योस किंग की आर्मी को 20 मिनट के लिए रोके रखना है। एक बार ग्रेट बीस्ट अपने पूरे साइज में आ जाते हैं तब हमारे दोस्त फिर से पूरी तरीके से जिंदा हो जाएंगे। जिसपे स्नोबर्ड बोलती है, तुम गधे हो। एक बार ग्रेट बीस्ट अपने पूरे साइज में आ जाते हैं तो वो हम लोगों को गुलाम बना लेंगे। वो अल्टरनाइट के गॉड्स हैं। डेथ उनका सच्चा रैम है। वाल्टर बोलता है कि उन्होंने कसम खाई है कि वो अगले 100 सालों तक अर्थ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। स्नोबर्ड बोलती है, उनकी कसम? तुम सबसे झूठे बींग्स की कसम के ऊपर यकीन करते हो? अब अरोरा बोलती है, शायद वाल्टर सही कह रहा है। हमने बीस्ट को पहले भी हराया है और हम दोबारा भी हरा सकते हैं। और देखो, हम केओस किंग को पहले ही हरा रहे हैं। लोग फिर से चलने लगे हैं, जैसे कि मेरा भाई और मैं। तब नॉर्थ स्टार उन चलते हुए लोगों की तरफ देखकर अरोरा से बोलता है, मैं तुम्हें निराश तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ इन लोगों के साथ हो रहा है हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और गाइस, हम देखते हैं कि जो लोग चल फिर रहे थे वो वेंडिगो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद वो लोग भी स्लेव गॉड्स के खिलाफ लड़ने लगते हैं। जिसपे स्नोबर्ड शामन से पूछती है कि हमारे वर्ल्ड पे ऐसा कैसे हो सकता है। शामन बोलता है, तुम्हारे लोगों ने वेंडिगो के शराब को बनाया था, अब जब तुम्हारे लोग हार चुके हैं तो उनका जादू इस धरती पे खुला घूम रहा है और ये ग्रेट बीस्ट इस स्पेल का यूज कर रहे हैं। अब गार्डियन समझाने की कोशिश करता है कि शायद वाल्टर का प्लान काम कर सकता है। हम केओस किंग को मारने में वेंडिगो की मदद करेंगे और फिर ग्रेट बीस्ट को हरा देंगे। विंडिकेटर पूछती है, क्या इसे वेंडिगो की स्पेल खत्म हो जाएगी? शामन बोलता है, हो सकता है। स्नोबर्ड बोलती है, हम ग्रेट बीस्ट को इतना टाइम नहीं दे सकते, हमने उनको पहले भी हराया है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो कमजोर थे, और जितना टाइम हम बहस में गवाएंगे ग्रेट बीस्ट उतने ताकतवर बनते जाएंगे। जिसपे गार्डियन बोलता है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है और कितना अच्छा है, बस हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज्यादा बुरा है। और मुझे लगता है कि इस समय हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा केओस किंग है। वो गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये हमारा इकलौता मौका हो सकता है और हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें स्लेव गॉड्स की आर्मी को रोकना होगा। और फिर ये लोग स्लेव गॉड्स के साथ लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए इन लोगों के मन में कई तरीके के ख्याल आ रहे हैं। शामन स्नोबर्ड को लड़ते हुए देखकर बोलता है, गॉड्स का आखिरी बच्चा हमारे लिए लड़ रहा है, ये बात तो केओस किंग ने भी नहीं सोची होगी। जिसपे शामन शामन से बोलता है, अच्छा होगा कि तुम अपनी बातें अपने पास रखो और उम्मीद करो कि स्नोबर्ड तुम्हें ना सुन ले। तुम ताकतवर हो, लेकिन हम अब भी तुमको हरा सकते हैं। शामन बोलता है, और मैं तुमको फिर से नरक में भेज सकता हूँ। इस लड़ाई को देखकर स्नोबर्ड का मन फिर से बदल जाता है और स्नोबर्ड लड़ना छोड़कर शामन के पास पहुँच जाती है। शामन बोलता है, मैं जानता हूँ हम मॉन्स्टर्स बन चुके हैं, इन बीस्ट के प्यादे, ठीक इन वेंडिगो की तरह। स्नोबर्ड बोलते हैं कि हमें इसको रोकना होगा। अब तक नॉर्थ स्टार और विंडिकेटर भी वहां पे पहुंच जाते हैं। नॉर्थ स्टार बोलता है, स्नोबर्ड सही कह रही है, जब तुम मॉन्स्टर्स का साथ देते हो तो खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाते हो, और मैं ये सबक दोबारा नहीं सीखना चाहता। विंडिकेटर पूछती है, स्नोबर्ड क्या तुमको लगता है कि हम किसी और तरीके से केओस किंग को हरा सकते हैं? स्नोबर्ड बोलती है, यहाँ अर्थ पे बाकी गॉड्स हैं, हम उनको ढूंढ सकते हैं और हम लड़ाई में उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन हमें ग्रेट बीस्ट से कुछ नहीं चाहिए। शामन बोलता है, लेकिन हम अर्थ पे पूरी तरीके से वापस आना चाहते हैं। जिसपे विंडिकेटर बोलती है, वो लाइफ ही क्या जिसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस ना हो। अल्फा फ्लाइट, पीछे हट जाओ। जिसपे बाकी लोग बोलते हैं, लेकिन हम तो जीत रहे हैं। शामन बोलता है, बहुत वाह, इंसान ये डिसीजन नहीं ले सकता, हमें गॉड्स को खुद की रक्षा करने देना होगा। वाल्टर बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो गाइस, हम देख सकते हैं कि गार्डियन, अरोरा, मैरिना और वाल्टर अब भी ग्रेट बीस्ट का साथ देना चाहते हैं। विंडिकेटर मैरिना को रोकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अपनी तरफ देखो, तुम वही मॉन्स्टर बनती जा रही हो जो तुम्हारी मौत का कारण बनी। अब नॉर्थ स्टार गार्डियन से लड़ने लगता है, शामन अरोरा से लड़ने लगता है और वाल्टर स्नोबर्ड से लड़ने लगता है। शामन बोलता है, केओस किंग ने शायद आफ्टर लाइफ को छोड़ दिया होगा, लेकिन हम ग्रेट बीस्ट को अर्थ पे हेल नहीं बनाने देंगे। और फिर ये लोग ग्रेट बीस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनके पूरी तरीके से बढ़ने में बस कुछ ही सेकेंड्स बाकी।
रही है और फिर स्नोबर्ड अपनी बर्फ जमाने की ताकत से इन ग्रेट बेस्ट को वहीं का वहीं जमा देती है, जिससे ग्रेट बेस्ट बढ़ना रुक जाते हैं। तभी क्योस किंग वहाँ पे आता है और इन ग्रेट बेस्ट को मारते हुए बोलता है, हाँ चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम दूसरे रैम में जाकर छुप सकते हो लेकिन मौत किसी को नहीं छोड़ती। ग्रेट बेस्ट को मारने के बाद क्योस किंग अपनी सेना को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अल्फा फ्लाइट टीम के मेंबर्स एक चीज के ऊपर अब भी सहमत नहीं हुए हैं। वाल्टर पूछता है, क्या तुम अपने आप को फिर से मरवा दोगे? शामन बोलता है, मैं हम सबकी स्पिरिट्स को इस लाइफ से जस्ट अलग एक स्टेट में होल्ड कर सकता हूँ। सिर्फ ग्रेट बीस्ट के पास वो पावर नहीं थी जो हमको पूरी तरीके से जिंदा कर सके, तुम्हें सही रास्ता ढूंढना होगा। अब विंडिकेटर वाल्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। वाल्टर बोलता है कि वो फैमिली के साथ सुरक्षित है। विंडिकेटर बोलती है, जब तक हम वापस आए उसको सुरक्षित रखना। अब श्यामन उन लोगों को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है, तुम्हें क्योस किंग को हराना होगा और स्पिरिट रैम को फिर से ठीक करना होगा। स्नोबर्ड, सैस्क्वैच और ट्विंस ताकतवर बने रहना। और फिर श्यामन इन सब लोगों को वहाँ से ले जाता है, लेकिन अगले सेकंड वो सब लोग फिर से वहीं पे आ जाते हैं। श्यामन बोलता है, लगता है कि द ग्रेट होम गायब हो चुका है, मैं डेथ के पास नहीं पहुंच सकता। विंडिकेटर बोलती है, लेकिन ग्रेट बीस्ट ने वाल्टर को बोला था कि, स्नोबर्ड कहती है, ग्रेट बीस्ट ने वाल्टर से झूठ बोला था, वो लोग हमारे दोस्तों को वापस नहीं लेकर आए, डेथ भाग चुकी है। इसलिए श्यामन और बाकी सब अपने आप यहाँ पे आ गए। अरोरा पूछती है, तो ये लोग पहले से ही जिंदा थे लेकिन वो सब इस जगह पे कैसे आ सकते हैं? नॉर्थ स्टार बोलता है, जैसे हम आए ग्रेट बीस्ट ने इनको सम्मन किया था। मेरीना पूछती है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम मर नहीं सकते? श्यामन बोलता है, अब जब डेथ भाग चुकी है तो हम एक बार फिर से अर्थ पे घूम सकते हैं। ये सब क्योस किंग की वजह से हुआ है। हालांकि अगर वो हार जाता है और चीजें पहले की जैसी हो जाती है तो हम फिर से गायब हो सकते हैं। वाल्टर बोलता है, हो सकता है कि हम तुम लोगों को फिर से खो दें, लेकिन जैसा कि विंडिकेटर ने कहा कि हमें बलिदान देने होंगे। द ग्रेट बीस्ट ने मेरा यूज किया लेकिन वो हमें यहाँ पे लेकर आए, उसका एक कारण था। जब हम सब एक साथ हैं तो हम ताकतवर हैं, हम ग्रेट बीस्ट को हरा सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम क्योस किंग को भी हरा सकते हैं। ग्रेट बीस्ट हमसे डरते थे इसलिए वो हमसे उनकी प्रोटेक्शन करवाना चाहते थे। अगर हम गॉड स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे तो क्योस किंग हमसे डरने लगेगा, तो जिए या मरे हम ये सब एक साथ करेंगे अल्फा फ्लाइट बनकर। और फिर ये लोग क्योस किंग की तरफ चल पड़ते हैं।